Live TV Express, खबर पल पल की। लखनऊ, राजधानी लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में 1 मार्च से कोविड-19 के दूसरे चरण के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आज सुबह से ही काफी संख्या में सीनियर सिटीजन लोगों का जमावड़ा। पीएम की अपील के बाद जनता में वैक्सीन के लिए जागरूकता देखने को मिली है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 1 मार्च से शुरू हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक खुराक के लिए किसी भी समय लाभार्थी के लिए केवल एक ही लाइव अपॉइंटमेंट होगा। किसी भी तारीख के लिए किसी कोविड टीकाकरण केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट उस दिन दोपहर 3 बजे बंद कर दिए जाएंगे जिसके लिए स्लॉट खोले गए थे। मंत्रालय ने भी ये कहा कि यदि कोई लाभार्थी पहली खुराक के लिए अपॉइंटमेंट रद्द करता है तो दोनों खुराक की अपॉइंटमेंट रद्द कर दी जाएंगी। मंत्रालय के अनुसार ऑन साइट पंजीकरण की सुविधा होगी ताकि पात्र लाभार्थी चिन्हित टीकाकरण केंद्रों में जाकर अपना पंजीकरण करवा सके और टीकाकरण करा सके। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 60 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित 45 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति 1 मार्च से सरकारी केंद्रों में निःशुल्क और कुछ निजी अस्पतालों में 250 प्रति खुराक शुल्क देकर अपना टीकाकरण करा सकेगा। लखनऊ से अरविंद कुमार यादव की रिपोर्ट।